हेलो जी, एक मिनट, तुम्हारे सेक्रेटरी का फोन। तुम ही बात कर लो, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ मिस्टर भंडारी, क्या बात है? क्या? एक मिनट एक मिनट, देयर इज अ वेरी गुड न्यूज। तुम्हारी लेटेस्ट पेंटिंग्स एक अमेरिकन वुमन खरीदना चाहती है, बात कर लो प्लीज। मिस्टर भंडारी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप मुझे किसी भी हालत में यहां पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। $2 लाख तो क्या, मुझे $10 लाख भी दें तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और ललित कला अकादमी का अवार्ड जो है वो आप खुद जाकर ले आइए प्लीज, मेरी तरफ से। मिस्टर भंडारी, मैं यहाँ पर एक मशहूर पेंटर की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति की हैसियत से आया हूँ, 2 महीने आराम करने के लिए शहर की जिंदगी से दूर, समझे आप? प्लीज नो फर्दर बिजनेस टॉक्स, ओके? अच्छा, आपने किसी को वहां बताया तो नहीं कि मैं यहां पर हूं? प्लीज, और बताना भी नहीं। जी, ओके? प्लीज एक दिन के लिए तो जा सकते थे। पूजा, हम 2 महीने तो क्या, 4 महीने तक रह सकते, लेकिन कभी बहादुर के बारे में सोचा है? वो 1 महीने में बोर हो गया है। मुझे तो कभी डर लगता है वो हमें छोड़ के भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा? वो कहीं नहीं भागेगा, वो तो अब हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, और वैसे भी ये जगह शहर से बहुत दूर है, कहीं नहीं जाएगा वो। पहले मुझे ये बताओ, कहीं तुम तो भागने का प्लान नहीं कर रही हो? भाग सकती थी लेकिन क्या करूं, फंस गई हूं। अब सो जाओ वरना वरना बस बस मम्मी आ जाओ बेटे। मम्मी हमें अकेले डर लग रहा है। सुनाई दिया तुम्हें? क्या? एक मोटरसाइकिल की आवाज। कोई यहाँ क्यों आएगा? यहाँ तो रास्ता ही बंद है, सड़क कहाँ खुली? मुझे तो ऐसे ही लगा। कुछ नहीं, सो जाओ। टाइगर, टाइगर, टाइगर,
Where he's gone. बहादुर क्यों चिल्ला रहे हो? राजू उठ जाएगा। तुम तो जानते हो बहादुर मुर्दे की तरह सोता है। तुम्हें कॉफी चाहिए थी तो मुझे उठा लिया होता। नहीं, मुझे कॉफी नहीं चाहिए। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और राजू को उठाओ। क्यों, कहाँ जाना है? सवाल मत करो, तुम जल्दी करो, मैं बहादुर को उठाता हूँ। अच्छा। बहादुर, 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 न जाने कहां मर गई। क्यों, बहादुर उठ गया? क्या बात है, जवाब क्यों नहीं देते? बहादुर अपने कमरे में नहीं है। मैं तो पहले ही कहती थी वो इस अकेलेपन से घबराकर भाग गया होगा। वो भागा नहीं है, अगर भागा होता तो उसका सामान भी तो गायब होता। लगता है वो टाइगर को लेकर कहीं जंगल में घूमने निकल गया। खैर, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शहर चलना है। मगर शहर, कल ही तो कहते थे। मैंने कहा ना, तुम राजू को उठाओ, मैं कार निकालता हूँ।
गाड़ी साफ ही हो रही। मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था, तुम अभी तक ऐसे घूम रही हो। इसमें नाराज होने की क्या बात है, हो रही हूँ भाई। पटापन क्या हुआ? देखो खून। बहादुर भी गायब है। सुनो पूजा, इस घर में जरूर कोई गड़बड़ है, लगता है हमारे कोई पीछे पड़ा हुआ है। मैंने तुम्हें पहले जानबूझ कर नहीं बताया था। देखो टाइगर लापता है, मेरा फोन काट दिया गया, मेरा रिवॉल्वर गायब है और ये गाड़ी जानबूझकर खराब कर दी गई है। क्या होगा विशाल? कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत से काम लो। हमारा यहाँ पर रहना अब खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। इसलिए मैं राजू, तुम ऊपर देखो, मैं नीचे देखता हूँ। मैं आप सभी पधारे सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं कि आपने मुझे ऑल इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर पदासीन किया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस पद की गरिमा को बनाए रखूंगी और इस एसोसिएशन के लिए जो भी सेवाएं मुझसे बन पड़ेंगी मैं उन्हें पूरा करूंगी। धन्यवाद।
इतनी बड़ी हार। इस हार को लेकर इतना संजीदा मत होइए सर, सारी दुनिया जानती है कि पिछले 5 सालों से आप लगातार इलेक्शन जीते रहे हैं। 5 साल? हाँ, अफसोस इसी बात का है कि ऑल इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पोस्ट सालों से जीतने वाला खन्ना एक मामूली विधवा से हार गया। मैं सब कुछ सह सकता हूँ मगर शिकस्त नहीं। लेकिन सर, उस मामूली औरत की आपके सामने हैसियत क्या है? बकवास बंद करो। सॉरी सर। हैसियत ही क्या है? कपूर, तुम सालों से मेरे सेक्रेटरी हो। यस सर। और ये अच्छी तरह जानते हो, इसी मामूली औरत ने तुम्हारी बेवकूफियों और मेरी लापरवाही से खन्ना इंडस्ट्रीज के 5 टेंडर्स 1 साल में छटक लिए, 45% एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अपनी झोली में डाल दिए, मेरी इज्जत का फलूदा बनाकर रख दिया है, और तुम कहते हैं ये मामूली सी बात है। लेकिन सर, हैसियत किसी की बपौती नहीं होती कपूर, अपने हाथ से बनाई और बिगाड़ी जाती है। मैं उसकी हैसियत धुएं में उड़ा दूंगा। आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है सर, आप सब कुछ कर सकते हैं। कपूर, एक बात बता। बैठो। मिसेस दत्ता का एनुअल टर्नओवर क्या है? यही सर, 3-4 करोड़ के लगभग होगा। 3-4 करोड़? इस 3-4 करोड़ में से 2 करोड़ समझो गायब हो जाए और हमारे अकाउंट में आके जमा हो जाए, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी? लेकिन ये कैसे होगा सर? मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। वो पूरी तरह डूब जाएगी सर। तो समझो मिसेस दत्ता डूब गई। कैसी सर? राणा को यहां बुलवाओ। बेवकूफी मत करो, राणा को मैं नहीं बुला रहा, तुम बुला रहे हो। यस सर। राणा से मैं नहीं मिल रहा, तुम मिल रहे हो। और आगे का प्लान इस कंप्यूटर से सुनो। फॉलोड ठीक है? बहुत बढ़िया सर। एक्सीलेंट। सब ठीक चल रहा है? अरे ये तार कट रहा है, रुको। लाओ जरा दस्ताने दो। हेलो, राणा साहब है? हाँ है। बुलाओ। हाँ एक मिनट, राणा जरा फोन यहाँ। मेरा फोन? अच्छा एक सेकंड, चलो जरा तब तक तुम मशीन खोलो। लो। हेलो, कौन? राणा, पहचाना? मैं कपूर बोल रहा हूँ। कौन? कपूर, कैसे हो यार? हाँ ठीक हूँ, लेकिन इतने दिनों के बाद आज फोन कैसे किया? बस यूं ही, मैं चाह रहा था कि तुम मुझसे आकर मिलो, एक अर्जेंट काम आ गया है, मोस्ट अर्जेंट। देखो कपूर, तुम तो जानते हो कि मैं इस तरह के अर्जेंट काम करना बंद कर चुका हूँ कई साल पहले। अब तो मैं मजदूरी की जिंदगी जी रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे मजदूर के लिए तुम लोगों को जिस तरह का अर्जेंट काम चाहिए वो कर पाना मुमकिन होगा। फिर भी तुम्हारा यहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। देखो कपूर, मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, उसे महंगे से महंगे अस्पताल में भर्ती कराएंगे। तुम फौरन यहाँ चले आओ। अरे भाई तुम समझने की कोशिश करो। अच्छा उस अर्जेंट काम को भूल जाओ और तुम ये सोच कर यहाँ आओ कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे की जान बचानी है। मैं उसे इलाज के लिए अमेरिका भेजने की व्यवस्था करता हूँ, सुन रहे हो ना? हेलो। कपूर तुम तो जानते हो कि मेरे पास तो अमेरिका वगैरह भेजने के लिए पैसे नहीं है, मैं तो एक मामूली सुपरवाइजर हूँ।
अच्छा मैं कोशिश करता हूँ तुमसे मिलने की। ओके मैं इंतजार करूंगा। अब तो जरूर आएगा बच्चू, इकलौता लड़का जो है। बेटा पापा को जाना है, तुम यहां किसी को तंग मत करना, अच्छे बच्चे की तरह रहना। पापा आप हमको छोड़ के कहां जा रहे हैं? बेटा तुम्हारे पापा को तुम्हारे ही काम से जाना है, इसलिए तुम यहां रहना, मैं थोड़े दिनों में आ जाऊंगा, फिर तुम्हें अमेरिका ले जाना है। सिस्टर मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा जी, इस दुनिया में मेरे सिवा इसका कोई नहीं। आप चिंता ना करें राणा साहब। Don't move, पीछे। खबरदार अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो बच्ची को गोली मार दूंगा मैं। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, हथियार फेंक दो, नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। तुम्हारे दोनों साथी पकड़े गए हैं और स्मगलिंग का सारा सामान भी। मुझे बासन नहीं चाबी चाहिए, चाबी। अपने आप को पुलिस का हवाले कर दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए इंस्पेक्टर, बासन नहीं। चाबी Excuse me, gentlemen. Your bag. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hello, Rana. Welcome. अरे यार तुम्हें एयरपोर्ट पर इस तरह की बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए थी। इस समय हमें पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों से दूर रहना है। बैठो। कपूर साहब मैंने कोई बहादुरी नहीं दिखाई है, ये मेरी बहादुरी नहीं, सिर्फ एक मासूम जान को बचाने का मेरा फर्ज था। मैं भी एक बाप हूँ, मेरे सीने में एक बाप का दिल है, उस वक्त मैं अपने आप को रोक नहीं सका। तुम्हें गोली भी लग सकती थी, तुम मर भी सकते थे राणा। शायद, लेकिन उस वक्त उस बच्चे को बचाने के अलावा मेरे दिमाग में और कोई ख्याल कौंधा ही नहीं। तुम्हारी इसी बहादुरी के हम कायल हैं राणा। लेकिन राणा इसका मतलब तो ये हुआ कि कल अगर हम तुम्हें किसी को किडनैप करने को कहें तो तुम हम पर भी हमला कर सकते हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा कपूर साहब। सीधी सादी बात है, मैंने तुम्हें यहां दुनिया की सबसे अनोखी किडनैपिंग एग्जीक्यूट करने के लिए बुलाया है, जिसमें रैंसम व्हाइट मनी में डिपॉजिट होगा और पुलिस और कानून हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। कपूर साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 12 बरस से मैंने ये सब काम करना छोड़ दिया है। मरते वक्त मैंने राजू की मां को वचन दिया था, मेरी तरफ से जुर्म के दरवाजे पर हमेशा के लिए ताला पड़ चुका है। ताला यानी कि तुम्हारा बेटा राजू उस ताले को जंग लग चुकी है राणा,
यानी कि कैंसर। जिस बेटे के लिए तूने गुनाहों की दुनिया छोड़ी, तुम चाहते हो कि वो बेटा तुमसे छीन जाए? उसकी जिंदगी बचाने के लिए हमारा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? ठंडे दिमाग से कल तक सोच लो राना। होटल कैसोनो में तुम्हारा कमरा बुक है, अब मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, ठीक है? किडनैपिंग को पूरा करने के लिए तुम जैसे सैकड़ों दूसरे राणा मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारा बेटा दूसरा नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारा बेटा दूसरा नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारा बेटा दूसरा नहीं मिलेगा। हेलो कपूर साहब। यस कपूर बोल रहा हूँ। कपूर साहब, मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। वेरी गुड वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसके लिए तुम्हारा शेयर होगा 20 लाख। शेयर वेयर की बात हम बाद में करेंगे। हा? मैं सिर्फ एक ही शर्त और एक ही कीमत पर काम करने को तैयार होऊंगा, मेरे बच्चे की जिंदगी बच जानी चाहिए। अब सिर्फ यही आपकी ड्यूटी है। ठीक है, मैं तुम्हारे पास प्लान लेकर पहुंचता हूँ। पापा। नाबालिग लड़की को लेकर कहां भाग रहा है? आए? सुनता नहीं है? अबे जरा अपनी शक्ल देख और इस लड़की की उम्र देख, शर्म नहीं आती? हाँ, क्या कह रहा हूं मैं? अबे गूंगा है क्या? मुंह में जबान नहीं है क्या? हिंदी समझ में नहीं आती? हाँ देखिए मिस्टर, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। ये लड़की मेरी कार में अभी कुछ देर पहले लिफ्ट लेके बैठी है, आप चाहें तो खुद से पूछ सकते हैं। अरे उससे तो बाद में पूछूंगा, पहले तेरी खबर लेता हूँ। साले नाबालिग लड़की को भगा ले जाने की सजा जानता है? हाँ जानता हूँ। आप जानती नहीं तो? वही सजा होती है जो एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर बनने की होती है, समझे? नकली? अब कौन नकली? कौन नकली इंस्पेक्टर? ये रिवॉल्वर देखा तुमने अपना, कितने पॉइंट का? बोलो, बताओ बेटा कितने पॉइंट का रिवॉल्वर है ये? नहीं मालूम ना? अरे पुलिस की वर्दी पहनने से पहले ही या पीछे के बाल तो कटवा लिए होता है। क्या बकते हो? ये होल्स्टर पत्ते की तरह हवा में झूल रहा था, अगर इसके अंदर असली पिस्तौल हो तो ये होल्स्टर इस तरह से झूलता नहीं है, समझे? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तू तो गाड़ी से उतर जी। और तू चल फोड़ 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 मत ना। जॉनी डोंट फाइट। अरना जॉनी इसने कुछ नहीं किया। जिनी
ये तो सिगरेट ही पीता जा रहा है। जॉनी वो जा रहा है। जॉनी इस कार को लूटने के लालच में हम ना पड़ते तो ही अच्छा रहता। मैंने तो पहले ही कहा था ना जॉनी, आज इतना ही काफी है। तुम्हारी इस कार की लास्ट ट्राई हमें ले डूबी। ये तो साला हमारा भी बाप लगता है। आज जो भी दूसरी कारों से लूटा है इस कमबख्त को दे दो ना, शायद हमें छोड़ दे। क्या आज दिन भर की कमाई इसे दे दूं और किस दे? इतना लालच छोड़ यार जॉनी, नहीं तो पता नहीं कितने साल जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। और फिर मुझे तो पुलिस के चक्कर से भी बहुत डर लगता है। जॉनी जल्दी बोल, नहीं तो वो निकल जाएगा। चुप, वो तो इधर ही आ रहा है। कहिए इंस्पेक्टर साहब, ये दर्द आपका कुछ कम हुआ कि नहीं? हाँ तो मेरा ख्याल है कि अब आप दोनों मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल सकते हैं। नहीं, नहीं। प्लीज अंकल हमें माफ कर दीजिए ना। अच्छा माफ कर दो, क्यों? अंकल अंकल हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अंकल। अच्छा। और शादी करना चाहते हैं। शादी करना चाहते और बेरोजगार है अंकल। बेरोजगार और शादी के लिए इसी तरह फंड जमा कर रहे हैं। ये इस तरह से चाकू उठा कर रहे हैं, वो फंड है कहाँ पर वैसे? ये आपका शादी का फंड, ये तो ढेर सारे रुपए हैं। अंकल अंकल आप ये सब ले लीजिए अंकल, मगर हमें छोड़ दीजिए अंकल प्लीज। थैंक यू। अरे अरे ये तो पैसे भी ले गया और हमें छोड़ा भी नहीं। धोखी बात। अरे एक बात तो मैं भूल ही गया था, आप दोनों तो मुझे पहचान चुके हैं, मेरे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। नहीं अरे अरे भाई ये सर अपनी जगह पर रखो, चींटी थी। अच्छा एक बात बताओ कि कभी आज तक कोई मर्डर किया? नहीं। और कभी पुलिस ने देखा है तुम्हें? नहीं, नहीं, नहीं। अगर तुम दोनों अपनी शादी के फंड के लिए दो दिन में 2,00,000 रुपए कमाना चाहते हो तो कल शाम को इसी पेड़ के पास मुझसे मिलना, समझे? पकड़ो, बाय बाय। अजीब आदमी, दो दिन में 2,00,000। ऐश करो। कमाल है जॉनी, ये सब सपना तो नहीं है? सपना नहीं है जिनी, ये तो हकीकत है, हकीकत। अरे आज तो अपनी किस्मत का हर घोड़ा जैकपॉट जीत रहा है जिनी। कमाल। थैंक यू अंकल। जिनी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू इतना अच्छा मौका अपने हाथ से क्यों निकलने दे रही है। वो कहता है कि कोई रिस्क नहीं है, मगर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बड़े प्लान में जरूर कोई लफड़ा है, नहीं तो 48 घंटे के कोई 2,00,000 ऐसे ही दे देगा क्या भला? तेरे वहमों का भी कोई जवाब नहीं है पगली। अरे आजकल के जमाने में क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं? और फिर इतने ढेर सारे पैसों के लिए थोड़ी बहुत रिस्क उठानी पड़ेगी। फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता। जॉनी मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है जिनी, और फिर तू क्या समझती है कि छोटे कामों में रिस्क नहीं? और वैसे भी ये सारे लड़कियों को देखकर लार टपकाने वाले कड़कों की जेब में तो कभी कभी 25 रुपए तक नहीं निकलते, और इतने पैसों में तो पुलिस वर्दी की ड्राई क्लीन तक नहीं होती। और जिनी यहां तो लाखों का सवाल है, लाखों का। मुझे तो यकीन नहीं आता, सब कुछ सपना लगता है। मैं तो तुझे इस काल कोठी से बाहर निकालकर सपनों की नहीं हकीकत की उस दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहां हमारा एक बहुत बड़ा घर होगा, नौकर होंगे, गाड़ियां होंगी, और फिर तुझे इस किस्म के गंदे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। ओह माय गॉड,
अरे कहाँ खो गई तू? और फिर जानती है क्या करूंगा? क्या? तुझे दुल्हन बनाकर अपने सीने से लगा लूंगा जॉनी। हाय राणा। हाय कपूर। कहां तक पहुंचे? I found these kids for you. Jenny. Hello. Hi. Johnny. Hi. Hi. यही वो दोनों हैं जिनकी मुझे दरअसल तलाश थी। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करके घर बसाना चाहते हैं। तुम्हें पूरा भरोसा है? हाँ, मुझे इन दोनों पर पूरा भरोसा। इनकी कीमत 25,000 हमारी तय की हुई कीमत से ज्यादा। 5,000 रुपए इनको एडवांस दे दो। ओके। ये लो 5,000। तुम दोनों बाहर मेरा इंतजार करो। सुना नहीं क्या कहा मैंने? बाहर इंतजार करो मेरा। बोलो। खन्ना साहब ने कल बर्लिन से फोन करके पूछा था कि जैकपॉट की यानी कि तुम्हारी रेस कहां तक पहुंची। कपूर साहब, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी रेस, मेरे प्लान और मेरे प्रोग्रेस के बारे में अगर कोई मुझसे सवाल पूछे तो मुझे यह कतई पसंद नहीं। मैं अपनी तरह से काम करने वाला इंसान हूं। मुझे आदेश नहीं, अनुरोध पसंद है। खैर, मेरे बच्चे के अमेरिका जाने के पेपर्स कब तक तैयार होंगे? नहीं, वो चिंता मत करो, वो एक दो दिन के भीतर तैयार हो जाएंगे। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं और वैसे भी हमने कल शाम तुम्हारे बच्चे को शहर के सबसे महंगे नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया है। राणा, बहुत जल्दी तुम ऑपरेशन जैकपॉट 2 करोड़ निपटाकर अगले वीक न्यूयॉर्क में अपने बेटे का ऑपरेशन करवा रहे होगे। ओके? और कुछ? थैंक यू कपूर साहब, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक राणा। जाने मैं नीचे उतरूं तो उसी वक्त मेरे पैर के पास रखे टूल्स लेके आना। जी सर। देख रहे हो यही घर है वो? अच्छी तरह से देख लो तुम, वही गाड़ी खड़ी है जो उसी औरत की है। और से देख लो, पहचान लो, इसी की बेटी को किडनैप करना। हाँ, ये वही औरत है और ये बेटी उसकी। इसी लड़की को किडनैप करना हमने। गौर से देख लो तुम लोग, देख लिया? चलो। फाइल्स अच्छी तरह देख ली? फाइल्स बंद कर दो और मेरी बात गौर से सुनो। यहां तक तुम दोनों को अंदाजा हो गया होगा कि हमारे प्लान का पहला हिस्सा क्या है। यानी तुम एक पत्रकार की हैसियत से मिसेस दत्ता की लड़की से मिलोगी, उससे दोस्ती करने की कोशिश करोगी, ऐसा जताने की कोशिश करोगी जैसे तुम उसका कोई इंटरव्यू अखबार में छापना चाहती हो। इसके बाद किसी भी तरह तुम उसकी कार में लिफ्ट लोगी और उसके बाद मौका मिलते ही उसे मेरे दिए हुए इंटीमेट स्प्रे से बेहोश कर दोगी। बकाया काम मैं खुद संभाल लूंगा, समझी? ओके। और मैं अंकल? जॉनी, अभी तुम सबसे पहले बियाबान जंगल में इस कोठी पर पहुंचोगे। ख्याल रखना कि तुम्हारे आने की किसी को कानो कान खबर ना हो। सबसे पहले तुम्हें पेंटर के कुत्ते से निपटना होगा। मेरे ख्याल से जहरीला मांस उसका बेहतर इलाज है। तुम्हारा दूसरा निशाना उसका नौकर होगा। ख्याल रहे, उसे सिर्फ बेहोश करके बांध कर डालना है, मारना नहीं है।
इसके बाद तुम्हें टेलीफोन की लाइन काटनी है और उसकी कार बेकार कर देनी है ताकि कोई वहां से भाग ना सके। और संभल के, उसके पास रिवॉल्वर भी है, उसे कब्जे में कर लेना। और फिर जब तक हम सोनू को किडनैप करके वहां नहीं पहुंचते, तुम उस कोठी के बाहर भीतर पत्ता भी नहीं खड़कने देना। चुप! कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? देखो, कोई भी सवाल करने से पहले अपने हाथ से ये छुरी और ये कांटा नीचे फेंक दो। चलो जल्दी। अरे एक बार, ये जो तुम्हारी बीवी खड़ी है ना, इससे कहो कि जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाए। डोंट टच हिम। सुना नहीं? कॉफी। हाँ, और एक बात याद रखना कि जो भी तुम बनाकर लाओगी वो मुझसे पहले तुम्हारा ये पति टेस्ट करेगा, समझी? और सुनो, यहां से भागने की बेवकूफी मत करना, क्योंकि तुम्हारा पति और तुम्हारा बच्चा मेरे रिवॉल्वर की जद में है। तुम जाओ, समझे? क्या चाहते तुम? मैं पूछ रहा हूं, क्या चाहते हो? नहीं पेंटर साहब, कोई भी हरकत करने से पहले इस लोहे के टुकड़े को गौर से देखो। ये तुम्हारा अपना ही रिवॉल्वर है। ये तुम्हारे पेंटिंग करने का ब्रश नहीं, जिसमें से रंग निकलते हैं। इसमें से निकलते हैं शीशे के टुकड़े, पूरे 6 टुकड़े। और मेरे ख्याल से अगर इस लोहे के टुकड़े से निकले शीशे के टुकड़े तुम्हारी बीवी के गोरे बदन और तुम्हारे बच्चे के नाजुक जिस्म में घुसेंगे, तो तुम्हें बहुत लंबे अरसे तक लाल रंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए पेंटर साहब, अपने इस मर्दानगी पर फुल स्टॉप लगाओ और चुपचाप इस कचरेदान को वहीं का वहीं रख दो, समझे? मेरा कुत्ता कहाँ है? कुत्ता? कुत्ता तो तुम्हारा जहरीला मांस खाकर मर गया। मेरा नौकर? हाँ, नौकर। नौकर तो वो सर्वेंट्स क्वार्टर में बंधा पड़ा है। उसने भी तुम्हारी तरह ये स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की थी। ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 या 5 दांत टूटे हैं बस। तुम झूठ बोलते हो। उसका भी तुमने खून कर दिया है। मैं अभी अभी उसके क्वार्टर से आया हूं, उसका खून मेरे पांवों पे लगा है। खैर, तुम जो भी हो, ये सब करने का तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब उन आने वाली गाड़ियों में मिलेगा जो कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाली है। तब तक अपना यह हुलिया चेंज करो और मेरे नाश्ते वास्ते का इंतजाम करो, समझे? सब ठीक है ना? जी सर। यानी इस डॉगी को संभालो जी। अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आई है, लगता है स्प्रे का असर अभी तक बाकी है। अंदर ले आओ। अंदर चलो। मैं हेल्प यू। चलो। विशाल साहब, आप लोग काफी खामोश नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है सुबह से आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है, जाहिर है कि आवाज कैसे निकलेगी। यानी जरा किचन ढूंढ लो, खाने के लिए कुछ बना लेना और साथ में चाय भी बना लेना। यस सर। विशाल साहब, बात शुरू करने से पहले दरअसल मैं आपसे माफी मांगना। देखो, ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो, सिर्फ काम की बात करो, समझे? लगता है आपको मुझसे ज्यादा जल्दी है बात करने के लिए। ठीक है, सीधे बात ही कर लेते हैं। आइए, चलिए डाइनिंग टेबल पर चलते हैं, वहां पर बैठ भी जाएंगे, चाय भी पी लेंगे, बातें भी कर लेंगे। चलिए, कोई हरकत नहीं होगी नहीं तो गोली चल जाएगी। लड़ गई, जरा इनकी मदद करो उठने में।
चानी, यस सर, इस तरफ जाओ। विशाल साहब, आपको बात करने की बहुत जल्दी थी तो सीधा बात ही शुरू करते हैं। ये लड़की जो आपके सामने बैठी हुई है, इसका नाम सोनू दत्ता, दत्ता इंडस्ट्रीज की इकलौती मालकिन की इकलौती बेटी। लेकिन मुझे इसे क्या मत बोलो, बात सुनो खामोशी से मेरी। आप यही पूछना चाहते हैं ना कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इस लड़की को आज सुबह ही हम लोगों ने किडनैप किया है, और अब से ढाई घंटे के बाद इसकी किडनैपिंग का रैंसम लेने के लिए आप जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो आपके फरिश्ते भी। अजीब जबरदस्ती है, आप हमें इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। देखिए, मुझे औरतों और बच्चों से बदतमीजी करने की आदत नहीं है, इसलिए आप दोनों के लिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से उठकर चले जाएं, बाद में आपके शौहर से ही बात हो जाएगी। जाने, यहाँ इन दोनों को ले जाओ, यहाँ से बेडरूम में बंद कर देना, और इनको चाय भी वहीं पहुँचा दे। आप यहीं बैठी रहिए, आपसे बात करनी है, मुझे आपकी ज़रूरत है। अरे, मेरा बैग यहीं छोड़ दो। हाँ तो विशाल साहब, अब आप चुपचाप बैठ कर मेरी बात सुनेंगे। अगर आपने बीच में सवाल जवाब करने की कोशिश की तो आपके बीवी बच्चे को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तो सब लोग जानते हैं कि आप हिंदुस्तान के एक मशहूर पेंटर हैं, और आपकी एक पेंटिंग लाखों रुपए में बिकती है। हमारे प्लान के मुताबिक अब से ढाई घंटे बाद आप अपनी ताज़ा पेंटिंग्स के सेट लेकर मिसेस दत्ता के पास जाएंगे। मिसेस दत्ता और आप में एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के मुताबिक आप अपनी ताजी पेंटिंग मिसेस दत्ता को बेचेंगे और वो आपको 2 करोड़ रुपया ड्राफ्ट के जरिए देंगे, ताकि उसी दिन वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। उसके अगले दिन आप और मिसेस दत्ता एक पार्टी देंगे। जाहिर है कि उस पार्टी में पत्रकार भी होंगे, और ख़ास तौर पर उस पार्टी के चीफ गेस्ट होंगे खन्ना कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर मिस्टर खन्ना, जिनको आप 1.5 करोड़ रुपया साइनिंग अमाउंट देंगे उस आर्ट कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो कि आपका सपना है। आप उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि उन्होंने आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना स्वीकार कर लिया। मुझे अफसोस है विशाल साहब कि आपका वो आर्ट कॉम्प्लेक्स तो कभी बन नहीं पाएगा, सपना ही रह जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक आपको 3 महीने के अंदर 1-1 करोड़ रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट्स और देनी होंगी, जो कि आप नहीं दे पाएंगे। और एग्रीमेंट के मुताबिक ही आप 5 साल तक अदालत में कोई मुकदमा नहीं कर पाएंगे। 5 साल के बाद जब आप मुकदमा करेंगे तो आपको 5-5 लाख रुपए की तिमाही इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा वापस किया जाएगा, जो कि जाहिर है कि इंटरेस्ट से भी कम होगा। क्यों विशाल साहब, हाउ डू यू लाइक माई प्लान? लीजिए चाय और कुछ नाश्ता आ गया। इससे पहले कि मैं आपको आगे का अपना प्लान बताऊं, चाय पी लेते हैं? कितनी शक्कर लेते हैं आप विशाल साहब? चाय में कितनी शक्कर लेते हैं आप? आप चाहें तो कुछ पकौड़े भी हैं, भूख तो लग रही होगी आपको। मुझे उम्मीद है कि जिनी ने ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली होंगी। जिनी, मेरे लिए चाय बनाओ। आप कहाँ खो गई सोनू जी, आप तो चाय लेंगी ना? हाँ, तो विशाल साहब, अभी तो मैंने आपको अपना आधा ही प्लान सुनाया था, बाकी का आधा प्लान तो आपने सुना ही नहीं। जाने ज़रा ऑस्ट्रेलिया ना। बाकी के आधे प्लान के मुताबिक आपको कुछ चिट्ठियाँ लिखनी हैं। सबसे पहले आप एक चिट्ठी आज से 6 महीने पहले की तारीख, थैंक यू, खन्ना कंस्ट्रक्शन कंपनी को लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे कि आप एक आर्ट कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते हैं। इसके जवाब में खन्ना कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको एक खत लिखेगी, जिसमें कहेगी कि 5 साल तक उनके पास टाइम नहीं है, और वैसे भी उनके टर्म्स और कंडीशंस बहुत सख्त हैं। आप निराश नहीं होंगे विशाल साहब? उसके जवाब में आप उन्हें एक और खत लिखेंगे और कहेंगे कि आपको उनके सब टर्म्स और कंडीशंस मंजूर हैं, और आप 5 साल तक इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ पैसा जुटाने में बिजी हैं। उसके बाद इस पार्टी में खन्ना कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोप्राइटर मिस्टर खन्ना के साथ आप एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और ये चिट्ठियाँ इस बात का सबूत होंगी कि आपने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। अचानक और चौंका देने वाला ये फैसला नहीं था, बल्कि एक व्यावसायिक फैसला था, बिजनेस डील। समझ गए आप? जानी जरा वो फाइल ले आना। सोनू जी, आपको भी थोड़ा सा काम करना होगा हमारा, आपको भी कुछ चिट्ठियां लिखना होंगी। सबसे पहले आप आज से 4 महीने पहले की तारीख में
विशाल साहब को एक खत लिखेंगी जिसमें आप लिखेंगे कि आप उनकी पेंटिंग्स की फैन हैं और आप उनकी कुछ पेंटिंग्स खरीदना चाहती हैं, जिसके जवाब में विशाल साहब आप खत लिखेंगे कि आपकी पेंटिंग्स बहुत महंगी हैं इसलिए ये खरीद नहीं पाएंगी और वैसे भी आप एकांत पसंद आदमी हैं, आप किसी से मिलना नहीं चाहते। उसके जवाब में आप एक और खत लिखेंगे जिसमें आप लिखेंगे कि आपने अपनी मम्मी से बात कर ली है और पैसे भी ऑर्गेनाइज कर लिए हैं आप इनकी पेंटिंग्स खरीदने की। फॉइल सर। हाँ ये लीजिए, सामर्थ्य रखती हैं। उसके बाद विशाल साहब आप एक खत लिखें इनको जिसमें आप ये कहेंगे कि ठीक है अगर आपके पास पैसा है तो आप अकेली मुझसे इस जगह पर मिलने के लिए आएं, क्योंकि मैं छुट्टियां बिताने के लिए 3 महीने के लिए यहाँ जा रहा हूँ, मुझे एकांत बेहद पसंद है, आप अकेली आएं, किसी और को साथ लेकर ना आएं। जाहिर है विशाल साहब अब आपको पता चल गया होगा कि दरअसल हमने इनको किडनैप तो किया ही नहीं, आपकी चिट्ठियों के मुताबिक ये अपनी मर्जी से आपसे मिलने के लिए आई हैं, आपकी पेंटिंग्स खरीद। लेकिन ये सब अगर मैं ना करूं तो? मेरा ख्याल है आप काफी समझदार आदमी हैं, किसी भी बाप और पति को यह पसंद नहीं होगा कि उसके सामने उसके बीवी और बच्चे के परखचे उड़ा दिए जाएं। और सोनू जी आप भी याद रखें आसपास जंगल है और यहाँ पर काफी जंगली जानवर हैं जिनको गोश्त काफी पसंद है। समझदारी इसी में होगी कि आप लोग ये खत लिखते हैं। हाँ एक बात और बता दूं जाने से पहले कि हैंडराइटिंग बदलने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के हैंडराइटिंग स्पेसिमेंस हमारे पास मौजूद हैं। मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ, जाने ये चिट्ठियाँ लिखवा लेना। ठीक है बहुत हो गया ये रोना धोना, बंद करो इसे और मेरे प्लान का तीसरा हिस्सा जरा गौर से सुन लो। विशाल साहब, खन्ना साहब को 1.5 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट देने के बाद आप अगले दिन अपने बैंक जाएंगे, बैंक में बचे हुए 50 लाख रुपए में से आप 35 लाख रुपए कैश ड्रॉ करेंगे, उसे ब्रांड न्यू सूटकेस के अंदर डालेंगे और यहाँ से इस कोठी से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमारा इंतजार करेंगे। याद रहे वो सूटकेस कार की छत पर होना चाहिए और बिना कोई चूं चपड़ किए आप लुट जाएंगे। उसके बाद आप सीधे शहर पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर रिपोर्ट लिखवाएंगे कि रास्ते में लुटेरों ने आपका 35 लाख रुपया लूट लिया। ये सब करने के बाद जब आप वापस इस कोठी में लौटेंगे विशाल साहब, तो इस कोठी का हर एक भत्ता, आपकी बीवी, आपका बच्चा, हर चीज आपको सही सलामत मिलेगी। और हाँ, आपके बैंक में बचे हुए बाकी 15 लाख रुपए, ये जो आप भागदौड़ कर रहे हैं हमारे लिए, उसकी कीमत समझ लीजिए। वैसे पेंटर साहब, आपने अभी तक इन सब कागजातों पर दस्तखत करके काफी होशियारी का सबूत दिया है, लेकिन रास्ते में कोई गलत किस्म की होशियारी करने की कोशिश मत कीजिएगा, मतलब पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिएगा वरना आपकी बीवी और आपका बच्चा दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। अब चलिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलिए अब देर मत करिए, कम ऑन। अच्छा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ओके? चलिए जाने। अगर इस घर के आसपास तुम्हें एक भी पुलिस वाला दिखाई दे तो इन दोनों को गोली से उड़ा देना। मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, इन सब का ख्याल रखना और सोनू ऊपर कमरे में बंद है उसका भी ख्याल रखना। चलिए आप अपनी कार से निकल जाइए। जैकपॉट। यस जैकपॉट। ये कागज कपूर साहब तक पहुंचा देना, संभाल के, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके। चावला एक्सपोर्ट्स। यस। कौन बोल रहा है? जैकपॉट वन स्पीकिंग।
हाँ भाई, यहाँ सारे पेपर साइन हो चुके हैं और ब्रश मास्टर रंग लेकर बेचने के लिए रवाना हो चुका है, आगे तुम देख लेना। वेल डन, तुम चिंता मत करो। और हाँ, वहाँ अपने सारे घोड़े घोड़ियाँ बिल्कुल ठीक है ना? हाँ ठीक है। ध्यान रखना, ये घोड़े अपने जैकपॉट के लिए बहुत कीमती हैं। किसी की टांग वांग ना टूट जाए, करोड़ों का इंश्योरेंस दांव पर लगा है, समझे? हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो। अब मैं यहाँ से सीधा रेस कोर्स जा रहा हूँ और रेस खत्म होने तक वहीं रहूंगा। ओके ओके। वो एक टेलीफोन और था, वो लगा दीजिए। देखिए प्लीज, ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। देखो तुम इधर आ जा। देखो इधर मत आना। नहीं मम्मी, मुझे छोड़ दो, बचाओ। क्या हो रहा है जॉनी, छोड़ दो मुझे, प्लीज बचाओ, बचाओ, बचाओ। देखो जॉनी, तुम्हें हो क्या रहा है, क्या हो रहा है जॉनी? Johnny, what the hell are you doing? Have you lost your head? Johnny! Johnny, मुझे तो इसी ने बुलाया था छत के रास्ते से। मैंने कुछ नहीं किया। खबरदार जो मेरे और जॉनी के प्यार के बीच में आई, समझी? अरे अरे, हम तो ट्रैप हो गए। किसी ने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। अरे अरे खोलो, अब क्या होगा? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो हेलो। हाँ हाँ, मैंने भेजा था फाइल, देखा आपने? हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसमें कब पेश कर रहे हैं? जल्दी परसों करेंगे। अच्छा अच्छा, एक प्लीज। अच्छा फिर कर दीजिए। हाँ ठीक है, देख लूंगा मैं। हाँ हाँ, इट्स अ गुड केस। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर हाँ वो क्लाइंट दे देगा, फीस देगा बराबर। हाँ पार्ट पेमेंट किया ना? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ यही पॉइंट लेना है उसमें। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, आप थोड़ा जल्दी करेंगे भाई साहब? हाँ एक मिनट। हाँ हाँ, मैं भी आऊंगा दिल्ली। हाँ मैं बता दूंगा, मिलूंगा जब आपसे। हाँ ठीक है। आप इनसे क्या क्यों नहीं रहे कि जल्दी करें? तुम मैं क्या कर सकता हूँ? बंद कर दिया भाई, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। डोंट लीजिए, क्या लीजिए टेलीफोन? क्या जगह है जे? ये टेलीफोन एक्सचेंज क्या है? हैं कितना हुआ? एक मिनट। कितना आपका, कितना पेमेंट हुआ जल्दी बताइए? 180 रुपए। लीजिए जल्दी कीजिए, चैन दीजिए प्लीज। देखिए प्लीज, मेरा टेलीफोन लगाइए, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उससे बात करनी है। प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। ना 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 ना, रिलैक्स प्लीज रिलैक्स। आप घबराइए मत, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए मामला क्या है। वो लोग उस लड़की को हॉस्टेज रखकर एक रैंसम मांग रहे हैं। प्लीज हमें शहर तक पहुंचा दीजिए, पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दीजिए। आप बिल्कुल घबराइए मत। I'll help you. रुकिए रुकिए साहब, रुकिए। एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना है? मुझे मिस्टर दत्ता से मिलना है, बहुत इमरजेंसी है। आपको उनसे कोई अपॉइंटमेंट है? देखिए आप उनसे अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं मिल सकते। हार्ड में गया आपका अपॉइंटमेंट, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। इट्स क्वेश्चन ऑफ समवन्स लाइफ। गार्ड जल्दी आओ, इधर आओ। जी जी। ए एक्सक्यूज मी, मिस्टर दत्ता कौन है? मैडम ये मुझे धक्का देकर जबरदस्ती अंदर घुसा। सॉरी मैडम, मेरे यहाँ इस तरह आने की वजह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अकेले में।
लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हैं कौन और इस तरह यहाँ आपके आने का मकसद क्या है। जी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा लेकिन अकेले में। अकेले में? देखिए इस तरह सोचने विचारने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, आपके और मेरे दोनों के पास वक्त बहुत कम है। लेकिन आप अकेले में मिलना क्यों चाहते हैं? क्या आपको मैं शक्ल से चोर उचक्का लगता हूँ या आपको ये शक है कि मैं अकेले में बात करने के बहाने आपकी जान ले लूंगा? प्लीज मैडम ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं आपको जो बताने आया हूँ सिर्फ अकेले में आपको बता सकता हूँ। गार्ड एक्सक्यूज मी प्लीज फॉर सम टाइम, वेट इनसाइड। डोंट वरी, ये मेरे सेक्रेटरी हैं, आइए। राना साहब, राना साहब, पूजा और राजू भाग गए। उनकी मौत आई है मेरे हाथों। कहिए क्या प्रॉब्लम है आपकी? देखिए मैडम आप बिल्कुल मत घबराइए, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैसा हौसला, क्या सब ठीक हो जाएगा? सॉरी मैं इस वक्त पूरी तरह नॉर्मल नहीं हूं और सच्चाई तो यह है कि कोई भी इंसान इन हालात में नॉर्मल नहीं रह सकता है। मिस्टर दत्ता आप, आपकी बेटी सोनू। सोनू? क्या हुआ सोनू को? वो किडनैप कर ली गई है। किडनैप? व्हाट रबिश, वो तो पार्टी में गई है दोस्त के यहाँ। जी नहीं मिस्टर दत्ता, अब वो तभी छूट सकती है जब आप मेरी 20 बेशकीमती पेंटिंग्स 2 करोड़ रुपए में खरीद कर उसकी एक्सेल डीट साइन करके वो पैसा मेरे बैंक में मेरे अकाउंट में जमा करवा देंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारी पेंटिंग्स 2 रुपए में भी नहीं खरीदूंगी, समझे? गेट आउट वरना पुलिस को बुलाकर 2 मिनट में अंदर करवा दूंगी। 2 मिनट चुप रहकर मेरी बात नहीं सुन सकती आप? आपको लगता मैं किडनैपर हूं? देखिए मेरे चेहरे को जरा गौर से देखिए, ये चेहरा इंटरनेशनली फेमस पेंटर विशाल का है जिसकी एक एक पेंटिंग लाखों रुपए में बिकती है, सैकड़ों अवार्ड मिल चुके हैं मुझे। आप मुझे समझ क्या रही हैं? कैसी मां है आप जिसके पास अपनी बेटी के किडनैप होने की खबर सुनने के लिए भी वक्त नहीं है। मिस दत्ता इस वक्त आप और मैं एक ही नाव में सवार हैं, हम दोनों के सामने एक ही तूफान है। जिन लोगों ने आपकी बेटी को किडनैप किया है उन्हीं लोगों ने मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बंधक बना के रखा है। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, अब मैं उन लोगों के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हूं और ये पैसा भी मेरे पास नहीं रहने वाला है। ये पैसा मुझे एक आर्ट कॉम्प्लेक्स बनवाने के नाम पर खन्ना कंस्ट्रक्शन कंपनी को हैंडओवर करना है और उस वक्त आपको भी वहां पर प्रेजेंट रहना है मिस्टर खन्ना को कांग्रेचुलेट करने के लिए। अच्छा तो ये उस खन्ना की चाल है, वो आपको और आपकी पेंटिंग्स को फिरौती वसूल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ फिरौती, और वो भी वाइट मनी में। प्लीज आप कहीं भी फोन मत कीजिए, आपके पूरे फोन टेप हो रहे हैं, आप पर और मुझ पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बेहतर तो यही होगा कि आप जल्दी से जल्दी उस सेल डेट को साइन कर दीजिए और ड्राफ्ट मुझे दिलवा दीजिए। ठीक है लेकिन मेरी बेटी इस वक्त है कहां? सॉरी ये सब बताने के लिए मुझे मना किया गया है, वरना हम सबकी जान खतरे में है। एक्सक्यूज मी मैडम, इतनी बड़ी रकम का मामला है, कोई भी फैसला करने से पहले हमें ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए। नो ठीक है, आपको कल 2 करोड़ रुपए का चेक मिल जाएगा। चेक नहीं ड्राफ्ट, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ? जी ये भी उन लोगों की एक शर्त है। इस दत्ता आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस, मगर अब तो आपको मालूम पड़ गया कि इस सब के लिए मैं भी मजबूर था। और हां एक बात और, उन लोगों की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक
मैं होटल कॉस्मोस में चेक इन कर रहा हूं। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी उन्हीं किडनैपर्स में से एक हो? हो सकता है। तुम ऐसा करो, सबसे पहले ये पता लगाओ कि सोनू किडनैप हुई है या नहीं। ओके मैडम। तेरी हिम्मत कैसे उस लड़की के पास जाने की? हरामजादे, तुझे पैसे चाहिए? मैंने कहा था तुझसे 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं। अगर वो औरत और वो बच्चा भाग गए और वापस मुझे नहीं मिला तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं जिंदगी में कभी शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ऐसा ना करें। देखिए, रेप का कोई अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था। ये तो मेरे कमरे में मेरा हाल पूछने आए थे। लड़की, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। मुझे मेरे प्लान में कोई खराबी नहीं चाहिए, समझी? हेलो, कोई अंदर है? जिनी, जल्दी बाहर निकले। जैकेट मुझे दे तुम, मेरी पिस्तौल, और जल्दी आओ मेरे साथ। कम ऑन फास्ट। देखिए, मेरा नाम बेंजामिन है और लोग मुझे प्यार से बेंज कहते हैं। और इस वक्त आपकी सबसे कीमती मोहर मेरे पास है। मैं आपके प्लान के बारे में सब जानता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस प्लान में शामिल करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका यह प्लान सक्सेसफुल हो तो मुझ पर गोली चलाने की जरूरत ना करिएगा। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो आपका यह प्लान ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। जल्दी करिए। जी ठीक है, तुम सामने हो, हम कुछ नहीं कहेंगे। चलो मिसेस विशाल और इस बच्चे को अंदर ले जाओ। देखिए, आपके कहने पे छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रहे, हथियारों से लैस मेरे पार्टनर्स इस कोठी को लगातार वॉच कर रहे हैं, कोई चालाकी नहीं, समझे? तुमसे कहा ना कुछ नहीं होगा, नहीं तो मेरा आदमी तुम्हारे पीछे था, कभी भी तुम्हें मार सकता था। पिस्तौल नीचे करो और अंदर चलो, आराम से बातें हो जाएंगी। मेरे किस गुनाह की सजा मेरी बच्ची को दे रहे हो भगवान? इतने सालों की मिन्नतों के बाद तो तुमने मेरा जीवन हरा भरा किया था, क्या उसे वापस लेना चाहते हो? नहीं प्रभु, नहीं, चाहे तो मेरा जीवन ले लो, लेकिन मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो प्रभु, वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो आपके चरणों में सर रखकर मैं अपनी जान दे दूंगी प्रभु। राणा साहब, मैं आपके इस प्लान को बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूं, और अगर मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता तो शायद इस बच्चे और उसकी मां को इस कोठी में नहीं लाता। मुझे आप अपने साथी समझिए, जिस तरह के आपके दूसरे साथी हैं। मेरी सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहली, कि आप मुझे एक हिस्सा दें और वो भी पूरे 5 लाख का, और दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे हर 4 घंटे बाद इस कोठी की छत पर जाने की इजाजत दें, ताकि मैं अपने दोस्तों को यह सिग्नल दे सकूं कि मैं यहां खैरियत से हूं। बस इस बात की क्या गारंटी है कि तुम हमारे लिए नुकसानदेह साबित नहीं होंगे? राणा साहब, मैं आपका। वैसे तो तुम उस औरत और उस बच्चे को वापस ले आए हो जो हमारे प्लान का अहम हिस्सा हैं, ये बात तुम्हारे हक में जाती है, रख सकते हो। थैंक यू सर। ये तुम्हारे आदमी तो नहीं है? ना, ये मेरे आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे आदमी सिर्फ मेरे सिग्नल का इंतजार करेंगे। लगता है PNT वाले हैं। जरी, तुम इन्हें केयरफुली हैंडल करो, इन्हें रत्ती भर भी शक नहीं होना चाहिए। जॉनी, बेंजामिन, तुम ऊपर चढ़ो, मैं पीछे की तरफ पोजीशन लेता हूं। ये नीचे तो टेलीफोन वाले हैं, मगर ठीक ठीक बता कि तू कौन है। मेरा नाम बेंजामिन है और लोग मुझे प्यार से बेंजी कहते हैं। मैं भी आपका ही भाई बंधु हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप और आपकी मां शुका जिनी आते जाते गाड़ी वालों को
लिफ्ट के बहाने लूटते हैं और मैं छोटी मोटी डकैतियां और किडनैपिंग प्लान करता हूं। और जिस सोने की चिड़िया पर मेरी नजर थी उसे तुम ले उड़े। लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली साहब, आप लोगों का पीछा करते करते मैं यहां टपका। एंड गुड लक फॉर यू एंड मी बोथ, हां याद रखिए, अगर वो बच्चा और मां मेरे हाथ से निकल जाते तो तुम लोगों का यह सारा प्लान वो तो आप समझ गए। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोने की चिड़िया तुझ पर मर मिटी है, अपना कोई लेने देना नहीं। तो ऐश कर, रिलैक्स, अपने को तो खाली रैंसम से मतलब है, ओनली मनी। टेलीफोन रिपेयर करने के लिए थैंक यू, ये तो हमारी ड्यूटी है मैडम। अपुन तुपुन दोस्त क्या, हाथ मिलाना यार। यहां से फोन करना खतरे से खाली तो नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूं, पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा, न जाने कैसा होगा मेरा राजू। सिग्नल देने का नाटक रोज करता जा, वरना जैसे इन लोगों को पता चला कि सचमुच तेरा कोई दोस्त आसपास नहीं है और तू इन लोगों को उल्लू बना रहा है, वैसे ही तेरी शामत आ जाएगी। मुझे तो उस पेंटर की चेतावनी में भी बहुत दम नजर आ रहा था, फिर भी मैं छुपते छुपाते तुमसे मिलने आई हूँ, यही सब बताने के लिए। और आज मैं एक सीआईडी ऑफिसर के घर नहीं, अपने बेटे के पास आई हूँ। तुम्हें मेरी सोनू की रक्षा करनी होगी। रिलैक्स, वो न जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी, उसने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। आंटी आप कतई चिंता न करें, वो लोग सोनू का बाल भी बांका नहीं कर सकते। डोंट वरी, मैं अपने ही डिपार्टमेंट को पर्सनली मूव करूंगा। ठीक है, तो मैं उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 करोड़ का ड्राफ्ट दे देती हूँ। मैं मिसेस दत्ता का बहुत आभारी हूँ, जिनके 2 करोड़ रुपए मेरे सार्ट कॉम्प्लेक्स की नींव के पत्थर बनेंगे। और साथ ही साथ मैं मिस्टर खन्ना का भी बहुत आभारी हूँ, जिनकी खन्ना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इतने व्यस्त होने के बावजूद इस आर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का मेरा ऑफर स्वीकार किया है। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी मिसेस दत्ता,
क्या आप बताएंगे आपने मिस्टर विशाल की पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात देखी जो आपने उन्हें इतनी कीमत देकर खरीद लिया? मैंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकृतियों को देखा, लेकिन जो खूबी विशाल जी की कलाकृतियों में देखी वो मुझे अन्यत्र कहीं भी नजर नहीं आई। या यूं समझ लीजिए कि इनकी कलाकृतियां मेरा जीवन है, और जीवन की तो कोई कीमत नहीं होती। मिस्टर विशाल, आपने अभी भी जो इंटरनेशनल आर्ट कॉम्प्लेक्स की यहां चर्चा की, क्या आप बताएंगे कि उसकी उपयोगिता है, उसके उद्देश्य क्या है? ये आर्ट कॉम्प्लेक्स मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है, संसार की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी जिसमें एक ही छत के नीचे दुनिया भर की चित्रकलाएं सीखी और सिखाई जा सके, नए नए चित्रकारों को सही मार्गदर्शन मिले, प्रोत्साहन मिले, और दुनिया भर के पेंटर्स की कला की नुमाइश हो, सेमिनार हो, यही सब। मिस्टर विशाल, आपकी इस विशाल परियोजना का बजट क्या है? बजट फिलहाल तो बजट तो भाई बड़ी योजना है तो बजट तो बड़ा हो सकता है, इससे भी ज्यादा 5 करोड़ 7 करोड़ लग सकता है, कह नहीं सकते। जब योजना बड़ी है तो नेचुरली इट विल टेक अ बिग शेप। मिस्टर खन्ना, इस इंटरनेशनल आर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में आपका क्या कहना है? मैं विशाल जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इतने बड़े आर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण का ऑर्डर हमें दिया है, और मेरी कंपनी की ये पूरी कोशिश होगी कि आपकी उम्मीद के अनुरूप, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप और आशाओं के अनुरूप इसका निर्माण कार्य मैं करूं। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू एवरीबॉडी। ऑल द बेस्ट मिस्टर विशाल। थैंक यू मिसेस दत्ता। कांग्रेचुलेशन खन्ना साहब। थैंक यू मिसेस दत्ता। थैंक यू मिस्टर खन्ना। बाय द वे मिसेस दत्ता, आपकी बच्ची नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? बड़ी प्यारी बच्ची है, मेरा प्यार दीजिए उसे। मैं आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूं। मिस्टर राणा, आपको इस किडनैपिंग के लिए जितना रैंसम मिल रहा है उससे दुगना मैं देने के लिए तैयार हूं, और अगर आप चाहें तो इसके लिए मैं अपनी मम्मी को फोन करके बता भी सकती हूँ। आप लोग चौंकिएगा मत, मैंने और जॉनी ने बहुत सोच समझकर ठंडे दिमाग से ये फैसला किया है कि हम दोनों शादी करने वाले। शादी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सोनू? कहाँ ये बदमाश, आवारा, लफंगा, गैंगस्टर, और कहाँ तुम? खबरदार मेरे और जॉनी के बारे में ऐसी बात की तो मैं जॉनी से बहुत प्यार करती हूँ। ओ शिट, जॉनी मेरा है। पागल हो गया क्या? कोई आवाज नहीं होगी, इसका मुंह नोच लूंगी। चुपचाप बैठो, आराम से जॉनी, और कोई बोलेगा नहीं बीच में। हाँ बोलो, और क्या कहना चाहती हो? जी राणा साहब, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैं और जॉनी जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, बिना किसी डर के। जॉनी, तुम सबके सामने कह दो ना कि कल रात तुम मेरे कमरे में आए थे और तुमने शादी के लिए हाँ भरी थी। बोलो ना, जिनी के सामने तुम्हारी जुबान बंद क्यों हो जाती है? बोलो ना, मेरी कसम खा के बोलो ना। मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच में जो भी आएगा ना जॉनी, मैं उसकी जान ले लूंगी। कुतिया के लिए तुम मेरे खिलाफ लड़ रहे हो? अनिल के लिए जॉनी, अनिल के लिए छोड़ दो मुझे। लेकिन अपना पिस्तौल निकालो। मैंने कहा अपना पिस्तौल निकालो। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो डबल रैंसम वाली बात का क्या हुआ? शराब लड़की, यहाँ किसी किस्म की कोई बदमाशी नहीं होगी, समझी? और कोई भी इंसान यहाँ से टेलीफोन नहीं करेगा और कोई डबल रैंसम की बात नहीं करेगा। लेकिन आपको एतराज क्या है? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? तुम्हें हक ही क्या? चुपचाप अपने शेर का इंतजार करो, जैसे कुत्ता टुकड़ों के लिए बैठकर इंतजार करता है, समझे? इस लड़की को पूजा के कमरे में पहुंचा दो, और जो नहीं गौर से सुन लो, आज के बाद तुम मुझे इस लड़की के कमरे के आसपास दिखाई दिए तो गोली मार दूंगा। और लड़की, तुम भी अगर इसके आसपास नजर आई तो छोड़ूंगा नहीं। मैं कैसे रह सकता? चलो निकलो यहां से।
बेंजामिन इसे भी उन दोनों के साथ ऊपर बंद कर दो। साबित हो सकते हैं हमारे लिए। जॉनी, बेंजामिन, तुम दोनों जरा जाकर देखो कौन है वो लोग। मैं और जिनी पोजीशन लेते हैं। चलो जल्दी। I'm so sorry दीदी, आपको बहुत जोर से चाटा लग गया। कोई बात नहीं सोनू, मुझे तो खुशी इस बात की है कि जिनी और जॉनी में ठन गई। अब जिनी 24 घंटे जॉनी के पीछे लगी रहेगी और जॉनी तुम्हें तो क्या, तुम्हारे साया तक छू नहीं सकेगा। प्लान सक्सेसफुल। बार हमने 50 फुट का शेर मारा। क्या बात करते हो उस्ताद? जब पास जाकर देखा तो 40। अच्छा? नहीं नहीं, 30 फीट का रह गया। तो फिर 30 फीट का रह गया। घटते ही गया उस्ताद, घटते ही गया। अरे उस्ताद, मैंने बहुत सारे शेर मारे क्या? ये पहली बार आप दे रहे हो मेरे को ऊंची। पर टेप से नापा तो 20 का रह गया। 20 का नहीं होता उस्ताद, बस 20 फीट का रह गया। जो हमने कह दिया सो कह दिया। कह दिया सो कह दिया, मान लू मैं। उसने मान लेता हूँ। कौन है बे? कौन है? कौन यार? कौन बोला? सिगारे क्या? इधर देखो, इधर। किधर देखे? इधर मुड़ो, इधर। इधर देखो उस पर। इधर? हाँ इधर। अबे इधर ला बंदूक। आजू आजू। चल हटो। ला बंदूक लाओ। इधर कौन सा? हाँ? कौन है तू? इधर ला बंदूक तेरी। हट जा बाजू। चल हट। बगैर लाइसेंस के शिकार करने के चक्कर में है? जेल में बंद करा दूंगा साले। चल हट। आगे बढ़। चलो। चलो फटो। बंदूक ले जाओ अपनी। एक्सक्यूज मी। यस। जी मैंने एक ड्राफ्ट बनने के लिए दे रखा है। बहुत देर हो गई। सर आप जल्दी से पता करेंगे? बिल्कुल। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। 1.5 करोड़ का ड्राफ्ट किन सज्जन का बनना है? जी मेरा है। आपका? जी सॉरी सर, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम? जी। यस आइए, प्लीज बैठिए। यस व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप जरा इनसे बात कर लीजिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर विशाल, आपको इस तरह टेक्निकल प्रॉब्लम के नाम पर यहां बुलाने के लिए हमें काफी खेद है। फिर भी आपके इस ड्राफ्ट से हमें पूरा यकीन हो गया है कि आपकी कहानी झूठी नहीं है और आप ये पैसा खन्ना कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सब आपको कैसे मालूम? बाय द वे मिस्टर विशाल, आप इंस्पेक्टर त्यागी क्राइम ब्रांच और मैं इंस्पेक्टर कुलदीप। ओ, तुम इससे दत्ता खामोश नहीं रही
और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम आपको यहाँ ये सोचकर गिरफ्तार करने आए थे कि आप भी उन लोगों के साथ। What rubbish! एक तो मैं अपनी बीवी बच्चे की जिंदगी को लेकर टेंशन में हूँ, अपनी पेंटिंग्स को लीगली बेचकर उनसे हाथ धो रहा हूँ, और उस पर आप मुझ पर गैंगस्टर और किडनैपर होने का इल्जाम लगा रहे हैं। दिस इज टू मच। खैर जाने दीजिए, हम लोग तो कानून के रक्षक हैं और कभी कभी शरीफ आदमियों को भी हमें शक की नजरों से देखना पड़ता है। आप चिंता न करें, जिस तरह आप और हम यहाँ मिल रहे हैं उसके बारे में किसी को नहीं मालूम। लेकिन आप ये बताइए कि उन लोगों ने सोनू और आपकी बीवी बच्चे को कहाँ छुपा रखा है, और वो कितने आदमी हैं, और उनके पास कैसे कैसे हथियार हैं, उनके आउटर लिंक्स क्या क्या हैं, और आप ये बकाया का रुपया उनको कहाँ और कैसे हैंड ओवर करेंगे ताकि आपकी मदद से हम उन्हें पकड़ सकें। आप लोगों का भी जवाब नहीं। अभी कुछ देर पहले तो आप मुझे ही पकड़ना चाहते थे, और अब आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन मिस्टर विशाल, इस मामले में हमें आपकी मदद बेहद जरूरी है। आई एम सॉरी मिस्टर त्यागी, मुझे अपनी बीवी बच्चे और सोनू की जिंदगी आपकी मदद से कहीं ज्यादा जरूरी है। आपको जो कुछ भी करना है हॉस्टेजेस के छूटने के बाद कर लीजिएगा, ओके? मैनेजर साहब, मुझे लगता है मेरा वक्त खामखा बर्बाद हो रहा है, मेरी सारी ट्रांजैक्शंस लीगल हैं। और कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका ड्राफ्ट तैयार है, आप बाहर से ले लीजिए। थैंक यू। वेलकम। राणा साहब, वो दो मामूली शिकारी थे इसलिए हमने उनको भगा दिया। क्या शक की कोई बात नहीं थी सर, और वो अरे तुमने जाने किसे दिया यार? सर वो ठीक है, जाओ, आइंदा ऐसी बेवकूफी मत करना। के लिए कॉल बुक करना है। इंदौर नंबर है 6888। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हमने सब चेक कर लिया है, पेंटर विशाल उनके डेपर्स में से नहीं है। लगता है वो तो बेचारा खुद फंसा हुआ है। मामला काफी संगीन लगता है। आप लोगों ने किसी को खबर तो नहीं होने दी कि मिसेस दत्ता की लड़की किडनैप कर ली गई है? जी नहीं सर, वो बैंक मैनेजर भी खामोश रहेगा, और इसीलिए हम खुफिया तौर पर सिविल ड्रेस में मूव कर रहे हैं। गुड। देखिए, आप दोनों को और हिम्मत सिंह को इस काम को संभालना है, क्योंकि मैं किसी चौथे आदमी को इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूं, वरना सोनू की जान को खतरा है। ओ दैट यू डोंट वरी सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पेंटर कुछ बता नहीं रहा है, और हमें यह नहीं मालूम कि किडनैपर्स ने सोनू को कहां हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है। पेंटर तो धमकी की वजह से कुछ बोलेगा नहीं, फिलहाल इस वक्त वो कहां है? कॉस्मोस होटल में ठहरा है सर। आप लोग वहां पे कड़ी निगरानी रखिए, मेरे ख्याल से किडनैपर्स उससे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे, स्पेशली पेंटर का टेलीफोन ट्रेस करवा लीजिएगा। ओके सर, कैरी ऑन। हेलो, जहां इंदौर कॉल बुक किया था, जहां इंदौर नर्सिंग होम, हाँ 6888। हाँ हेलो, हेलो इंदौर नर्सिंग होम, हाँ सिस्टर मैं राणा बोल रहा हूँ। हाँ तो बंटी के अमेरिका जाने की तैयारियां हो गई? I'm sorry, जी I'm sorry, राणा। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके? मिस्टर राणा आप सुन रहे हैं ना? मिस्टर राणा, हेलो। टेलीफोन सर। हेलो, देखिए प्लीज आप जो भी है फोन मत काटिएगा, प्लीज
देखिए मैं विशाल बोल रहा हूँ और सारे काम आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कर रहा हूँ। मुझे बस प्लीज एक बार अपने बेटे से बात करवा दीजिए, क्योंकि जब मैं चला था तो उसको बहुत तेज बुखार था। प्लीज देखिए, ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखिए, एक टूटा हुआ बाप आपसे अपने बेटे की आवाज की भीख मांग रहा है, प्लीज। जाओ राजू को बुला लो। किसका फोन है राणा साहब? उसके पापा विशाल साहब का फोन है। आप कमाल कर रहे हैं राणा साहब, एक तरफ आप सोनू को उसकी मम्मी से डबल रैंसम की बात करने दे रहे हैं। बहस मत करो मुझसे, राजू को बुला लो। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते साहब? बहस मत करो। एक सेकंड होल्ड कीजिए, अभी आ रहा है आपका बेटा। लो बेटा, तुम्हारे पापा का फोन। हेलो पापा। हेलो बेटा। राजू, राजू बेटा कैसा है? पापा आप कैसे हो? आपकी बहुत याद आती है पापा। पापा आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए? पापा आपके बिना हमें अच्छा नहीं लगता। पापा आप सारे काम छोड़ के जल्दी से आ जाओ। और हाँ, मेरी चॉकलेट और ढेर सारे खिलौने लाना मत भूलना। अच्छा पापा। मम्मी, मम्मी अच्छी है, मैं बात कराऊं? बच्चे के हाथ से टेलीफोन कैसे लिया तूने? आप समझते क्यों नहीं राणा साहब, वी कैन बी इन ट्रबल। जाओ बेटा, जा। आइंदा बच्चे को हाथ लगाया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। गुड न्यूज सर, वो टेलीफोन ट्रेस हो गया है। वेरी गुड, प्लीज सिट। अभी अभी पेंटर ने अपने बेटे राजू से बात की है। असे? और वो टेलीफोन से हमने उस जगह का पता भी लगा लिया है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर, बियाबान जंगल में। और वो पहाड़ी है उस जंगली रास्ते का डेड एंड। और वो ऐसी जगह है सर, जहाँ से कोई भी आदमी व्हीकल लेकर आता हुआ दूर से दिखाई दे जाता है। तो फिर आप इस ऑपरेशन में व्हीकल्स कम से कम इस्तेमाल कीजिए, और अगर व्हीकल्स ले भी जाएं तो उसे दूर झाड़ियों में छुपा कर रखें, और फिर उसके बाद आप लोग कोठी पर अटैक का प्लान बनाइए। यस सर। लेकिन इससे पहले हमें किसी को वहां हालात पता करने के लिए भेजना चाहिए। मेरे साथ बच्चे हैं सर। हिम्मत सिंह, तुम ही इस काम के लिए सबसे फिट आदमी हो। तुम्हारा हुलिया, तुम्हारी ये तोंद हमारे इस ऑपरेशन में बहुत काम आ सकते हैं। तुम एक काम करो, किसी बिजली वाले का भेष बनाकर वहां जाओ और वहां की सारी डिटेल्स निकाल कर लाओ। लेकिन हाँ, जाने से पहले आसपास के इलाके की सारी जानकारी ले लेना, ताकि उन लोगों को शक ना हो कि तुम नकली बिजली वाले हो। अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ, फौरन आकर रिपोर्ट दो। ओके सर। हिलाए जा बेटे, हिलाए जा, कल लखपति हो जाएगा। राणा साहब, एक साइकिल वाला है इलेक्ट्रिक का सामान लिए हुए। बन गई फिर की गठरिया गुर तुरे अंगन कोड़े सजन गुर तुरे अंग। क्या है? नमस्ते, बिजली वाले हैं, मीटर रीडिंग करने आए हैं। नहीं अभी नहीं, कल आओ। कल? मैडम 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर आया हूँ, गरीब आदमी हूँ, आज ही देख लेने दीजिए। मैंने कहा ना कल आना। जैसे आपकी मर्जी। ए सुनो, इधर आना, इधर आओ। बोलिए। तुम इलेक्ट्रिशियन नहीं लगते? जी हम बिजली वाले। जॉनी, जॉनी।
क्या हुआ? अरे इसे तो मिर्गी का दौरा पड़ा है। जूता सुनो, जूता। जिनी पानी ले क्या? धन्यवाद धन्यवाद। अरे भगवान, बड़ी मेहरबानी मेरे साहब, आपने हमारा बहुत ख्याल किया। गरीब आदमी को पानी पिलाया, दवाई करी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हम जाते हैं। एक्सक्यूज मी, आपकी टोपी रह गई। अरे हाँ, अच्छा जाते हैं, तबीयत ठीक रहे, जिंदा रहे तो कल फिर आएंगे। बेटे तुम उस अंकल के पास मत जाना, वो अच्छे लोग नहीं है बेटे, समझे? उनके पास मत जाना, पापा आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आज मेरे खानदान की इज्जत खाक में मिल गई। हिम्मत रखो हिम्मत सिंह, आज मेरे साथ मेरे पुरखे भी रो रहे होंगे। ये सब होने से पहले अगर मुझे गोली लग जाती या मेरा सर कट जाता, लेकिन लेकिन हुआ क्या? आज जिंदगी में पहली बार हिम्मत सिंह की खानदानी मूछ के ऊपर जूता रख दिया, और वो भी एक लड़के ने। मैं उसका बदला जरूर लूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और वहां होस्टेज को छुड़ाने की तैयारी कीजिए। मैंने उस इलाके का सर्वे किया है, वो लोग मेन रोड से नहीं भाग सकते। फ्लाइंग क्लब और एस टी पर भी आप लोगों को निगाह रखनी चाहिए, वहां से वो लोग जा सकते हैं। और आप लोग अपनी यूनिफॉर्म में जाएंगे, वरना होस्टेज आपको किडनैपर समझ बैठेंगे। और इसे यही छोड़ दो, वरना इसी घबराहट में मरवा डालेगी। प्लीज गो। सरकारी दामाद बनाने के चक्कर में देखो, ऐसा कोई इरादा नहीं हमारा। ये सब क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? शादी करने के लिए भाग रहे थे सर। तुम्हारे हाथ में चाकू? हाँ, तो आवाज तुम्हारी आई थी मुझे। चलो सब लोग अंदर चलो। मैंने मैं सामने का दरवाजा बंद करो, चादर ऊपर खींचो और इन दोनों पर कड़ी निगाह रखो, कोई भागने ना पाए। नहीं आप डरिए मत, मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया, कुछ देने ही आया।
देखिए, आप अपने इस बच्चे राजू को हमेशा मेरे पास आने से रोकती रही। रोकिए, आपका बच्चा, आपको पूरा हक है, लेकिन शायद आप मालूम नहीं कि मैंने ये सब क्यों किया। मैंने ये सब अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किया। वो कैंसर का मरीज था, मर गया। आपको इससे क्या मतलब हो सकता है, लेकिन अगर आप यकीन कर सकें तो कीजिए कि मुझे रुपए पैसे और दौलत से कोई मतलब नहीं। मेरा यहां रुकने का मकसद सिर्फ यह, आपका बच्चा राजू। ये मुझे बंटी, मेरा बेटा, उसकी याद दिलाता है। देखिए, अगर हो सके आपसे तो सिर्फ इस बच्चे को मेरे पास आने दीजिए, प्लीज। राजू जा। हाँ, एक बात और, ये पिस्तौल रख लें, क्योंकि यहां पर काफी ऐसे धरंधे हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मैं रात दिन पहरा देते देते काफी थक गया। वैसे पिस्तौल में गोलियां हैं और मैं जानता हूं कि आपको पिस्तौल चलाना आती है। आप चाहें तो मुझे मार सकती हैं। एक मरे हुए आदमी को क्या मारेंगे आप? जाओ बेटा। नहीं, आप डरिए मत, मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया, कुछ देने ही आया। देखिए, आप अपने इस बच्चे राजू को हमेशा मेरे पास आने से रोकती रही। रोकिए, आपका बच्चा, आपको पूरा हक है, लेकिन शायद आप मालूम नहीं कि मैंने ये सब क्यों किया। मैंने ये सब अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किया। वो कैंसर का मरीज था, मर गया। आपको इससे क्या मतलब हो सकता है, लेकिन अगर आप यकीन कर सकें तो कीजिए कि मुझे रुपए पैसे और दौलत से कोई मतलब नहीं। मेरा यहां रुकने का मकसद सिर्फ यह, आपका बच्चा राजू। ये मुझे बंटी, मेरा बेटा, उसकी याद दिलाता है। देखिए, अगर हो सके आपसे तो सिर्फ इस बच्चे को मेरे पास आने दीजिए, प्लीज। राजू जा। हाँ, एक बात और,
ये पिस्तौल रख लें, क्योंकि यहां पर काफी ऐसे धरंधे हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मैं रात दिन पहरा देते देते काफी थक गया। वैसे पिस्तौल में गोलियां हैं और मैं जानता हूं कि आपको पिस्तौल चलाना आती है। आप चाहें तो मुझे मार सकती हैं। एक मरे हुए आदमी को क्या मारेंगे आप? जाओ बेटा। राणा का बच्चा सोनू को फोन नहीं करने दे रहा बहन जी, जल्दी कुछ करना होगा। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? आज शाम तक पेंटर अपनी रैंसम की रकम लेकर आ जाएगा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि जब सोनू फोन करके हमें डबल रैंसम दिलवाने को तैयार है तो आपको यह ज्यादा पैसा बुरा क्यों लगता है? यह गोल्डन चांस क्यों छोड़ना चाहते हैं आप? इसलिए कि जिंदगी में हर गोल्डन चांस इंसान के उसूलों से ज्यादा बड़ा नहीं होता। उसूल? सर उसूल कुछ नहीं होते, वक्त की कीमत जानिए। और मैं सोनू की बात उसकी मां से करवा के रहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं? एक तरफ आप पेंटर की बात उसके बच्चे राजू से करवा रहे हैं और वो भी मुफ्त में, और जहां लाखों रुपयों का सवाल है आप मुझे बात नहीं करने देंगे? मैंने कहा कि टेलीफोन नहीं होगा। आई डेफिनेटली, मैंने कहा कि टेलीफोन नहीं होगा। बात तो जरूर होगी सर। ओ, तो चींटी के भी पर निकल आए। एक बात मेरे बारे में हमेशा याद रखना बेंजामिन, मेरे लिए जिंदगी में कभी भी पैसे उसूलों से बढ़कर नहीं रहे हैं, समझे? कैसी पड़ी थी लात आज पेट पे? तू भी तो पिटा था परसों। रिवॉल्वर भी गायब है? तेरी भी तो उसी के पास है। फिर जॉनी, राणा सारा माल अकेले हड़पने के चक्कर में है। फिर तू बोले तो सोने से फोन पे बात करा, मैं दोनों रिवॉल्वर लेके आता हूं। ठीक है, तू इसको ठिकाने लगा। यस श्योर। और सुन, हाँ, किसी को पता नहीं चला कि राम मर चुका है। ओके
तूने? साली शादी शादी कह के मरवा दिया मुझे। तुम नहीं समझोगे एक औरत के प्यार को। क्या? शादी तो मैं तुमसे अब भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरे पैसों से नहीं। जाने, इन फजूल की बातों में वक्त मत बर्बाद करो। सोनू, ये प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ो और बैठो और अपनी मम्मी को फोन लगाओ और उनसे कहो कि 25 लाख का रैंसम जिस जगह पेंटर आने वाला है वहां पर लेके आए। कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन। टाइम नहीं है, जल्दी कर। हेलो 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 मम्मी। कौन? सोनू? हाँ मम्मी, मैं सोनू बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही है? मैं नहीं बता सकती मम्मी, अगर आपको मुझे मेरी जान सही सलामत चाहिए तो 25 लाख रुपए लेकर वो पेंटर वाली जगह पर पहुँच जाइएगा, आज ही अभी। हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं अभी रुपए लेकर आती हूँ। मम्मी आप जरूर जाइएगा। मम्मी ये जगह का नाम है। अच्छा, डोंट एक्स मास। हेलो हेलो हेलो, कुलदीप संभल के जाना, कोई तुम्हें देख न ले। जानी, हमें जल्दी से जल्दी किसी फैसले पे पहुंचना चाहिए। मैं और जिनी जाएं ये तुझे मंजूर नहीं, तू और जिनी जाएं ये मुझे मंजूर नहीं, और अगर मैं और तू जाते हैं तो ये जिनी को मंजूर नहीं होगा। यू हैव टू डिसाइड फास्ट। और यहां से इस कोठी से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमारा इंतजार करेंगे। याद रहे, वो सूटकेस कार की छत पर होना चाहिए और बिना कोई चूचो पड़ किए आप लुट जाएंगे। उसके बाद आप सीधे शहर पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर रिपोर्ट लिखवाएंगे कि रास्ते में लुटेरों ने आपका 35 लाख रुपया लूट लिया। दरअसल बात यह है कि हम तीनों को एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है, और पैसा चीज भी ऐसी है कि किसी को किसी पे भरोसा होना भी नहीं चाहिए। हम तीनों जा नहीं सकते क्योंकि इन हॉस्टेज के साथ किसी न किसी का रहना यहां पे बहुत जरूरी है। हाँ, मगर तेरे वो दोस्त कहां है? अबे रहने दे साले, अगर तेरे दोस्त वोस्त होते ना तो तू राणा को मारने का प्लान मेरे साथ नहीं बनाता। देख, जब तू समझ गया है तो वक्त मत बर्बाद कर, एंड लेट्स डिसाइड फास्ट। ऐसा ना हो कि वो पेंटर का बच्चा। अरे पुलिस, क्या बात करता है? जॉनी, अपना पोजीशन लो। जिनी तुम जल्दी आओ, पुलिस ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है। फायर करने की बेवकूफी मत करो, तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। ये सब करने के बाद जब आप वापस इस कोठी में लौटेंगे विशाल साहब, तो इस कोठी का हर एक पत्ता, आपकी बीवी, आपका बच्चा, हर चीज आपको सही सलामत मिलेगी।
रुक जाइए मिस्टर विशाल, रुक जाइए, आगे मत जाइए, आगे खतरा है। ये गोलियां, ये फायरिंग मेरे घर में, सब क्या हो रहा है? आपने मुझे धोखा दिया इंस्पेक्टर, आपकी वजह से वो लोग मेरे पास रैंसम मिलने नहीं आ सके। मेरे बीवी बच्चों को अगर कुछ भी हो गया, आगे जाने में आपकी जान को खतरा है मिस्टर विशाल। पेंटर की कार, लगता है यही पुलिस लेकर आया है। गोली मत चलाओ, मैं विशाल हूं, मैं पूरा का पूरा रैंसम लेकर आ गया हूं, प्लीज स्टॉप फायरिंग। अभी भी रुक जाइए, आप सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। चिनी, दरवाजा खोलो, पेंटर आया। ये लो तुम्हारा रैंसम और मेरे बीवी बच्चों को मेरे हवाले करो। What is this? बहुत अच्छा क्या पेंटर साहब, जो आप चले आए, अब हम माफी के सारे यहाँ से बाहर निकलेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सब काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक किए। नहीं, चेक दो बाहर। मेरा रैंसम पूरा का पूरा है, देख लो, चेक कर लो। अब तुम सिर्फ मेरे बीवी बच्चों को मेरे हवाले कर दो, बस। देखो पेंटर साहब, तुम्हारी बीवी बच्चा और सोनू यहाँ से भाग चुके हैं और राणा मर चुका है। अब हमारा ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। नहीं देखो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। किसी किस्म की बदतमीजी मत करो। मैंने कहा तुम जा रही हो, मैं तुम खबरदार, किसी होस्टेस को गोली मारी तो तुम्हारा एक आदमी मारा जा चुका है। हथियार डाल दो और बाहर निकलो। Come on, come on, move out. Come on, get going. जल्दी। हमने फायरिंग बंद कर दी, तुम लोग भी बंद कर दो, वरना विशाल के सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इस पेंटर की बेवकूफी हमें बहुत महंगी पड़ेगी। फिलहाल फायरिंग बंद कर दो, नहीं तो ये पेंटर का बच्चा खामखा मारा जाएगा। ओके, हमने फायरिंग बंद कर दी है, हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाने दो, कोई गोली नहीं चलाएगा। ठीक है, हमने फायरिंग बंद कर दी है, लेकिन हम तुम्हें एक ही शर्त पर यहाँ से जाने देंगे, बाकी होस्टेजेस को सही सलामत हमारे हवाले कर दो। सारे होस्टेजेस भाग चुके हैं इंस्पेक्टर, तुम्हारे लिए इस कोठी में लाशों के सिवा कुछ नहीं बचा। अरे ये तीनों कहाँ निकल गए? मैं गाड़ी का पीछा करता हूँ वरना पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, तुम कोठी चेक कर लिया। ओके सर। जानी, पुलिस हमारे पीछे है, ऐसे हम बहुत दूर तक नहीं भाग सकते। डोंट वरी जिनी, वी विल हाईजैक अ प्लेन, लेट्स गो। समझे? चलो फोन प्लेन स्टार्ट करो, चल रही क्विक। हाँ, कोई हरकत नहीं होगी, समझे? जनाब, yes. अंदर एक और आदमी है, उसको कवर करो, कम ऑन क्विक। हे मूव, चल। हे चलो, चलो बाहर आओ, चलो कम ऑन। सुना नहीं? हे डोंट मूव। हे, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। हैंड्स अप, कम ऑन, मूव फास्टर। हे, एक राफ्ट पेट्रोल कितना है? जी, टैंक ऑलरेडी फुल है सर। अगर धोखा देने की कोशिश की तो तू ही मरेगा मेरे साथ, समझा? कम ऑन, गेट इन, दैट्स लाइक अ गुड बॉय, स्टार्ट द प्लेन। यस सर। जॉनी,
बता दे, तहक तो यही पड़ा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे जॉनी को धोखे से मरवा दिया। अगर मुझे मौत का डर होता तो गोलियों के बौछार में से ये बैग लेकर तुम लोगों के पास नहीं पहुंचता। मेरे बीवी बच्चे तुम लोगों के शिकंजे से बाहर निकल गए, बस मेरा मकसद पूरा हो गया। अब इंतजार किस बात का कर रही हो? चलाओ गोली, मगर ये मत भूलना कि तुम्हारा मुझे गोली मारते ही तुम्हारा बदन भी पुलिस की गोलियों से छलनी हो जाएगा। इस वक्त मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम चाहो तो अपनी ढाल में गोली मार सकती हो। चलो। जॉनी, ये सब क्या हो गया जॉनी? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी जॉनी। डोंट मूव। मैं बचूंगा नहीं, पुलिस के आने से पहले ये बैग लेके भाग जाओ। वो बैग इधर लेके आओ। रुक जाओ जी, नहीं, रिवॉल्वर फेंक दो, तुम यहाँ से बच कर नहीं जा सकती। पेंटर मेरे कब्जे में है, अगर उसे जिंदा चाहते हो तो खबरदार जो किसी ने गोली चलाई। आई वॉन्ट अनदर पायलट। हम दूसरा पायलट भेज रहे हैं, तुम इंतजार करो। Don't act smart. Go. Move fast. जिनी अब भी मेरी बात मान लो, सरेंडर कर दो। चलो। विशाल, विशाल खड़े क्यों हो? भागो। इन्फॉर्म करो, अगर मेरा प्लेन रोका गया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ओके। हेलो हेलो हेलो, कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर, आर यू गेटिंग मी? हेलो हेलो, कंट्रोल टावर, प्लेन हाईजैक, ओवर। व्हाट? यस, प्लीज ग्रांट मी परमिशन फॉर इमरजेंसी टेक ऑफ, ओवर। बट व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? आई डोंट। यस यस, सिस्टर 2, सिस्टर 2, आर यू हियरिंग मी? आर यू हियरिंग मी? Reading you 10-0. Reading you 10-0. Okay. I see every flight held up. Runway clear to take off. सर, आपके बेहोशी वाले सिगरेट के फॉर्मूले ने तो कमाल कर दिया। इसे अपनी कस्टडी में ले लो और जॉनी क्लास को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके okay? लेकिन जल्दी करो, अभी असली अपराधियों को पकड़ना बाकी है। यस सर। कांग्रेचुलेशन सर। वेल डन, वेल डन कुलदीप। थैंक यू।
वेलन त्यागी। थैंक यू सर। लेकिन उधर लहूलुहान राणा मौत को धोखा देकर बच निकला और कपूर के घर बदला लेने जा पहुंचा। खन्ना कहां पर है? खन्ना? खन्ना तुम्हें नहीं मालूम? परसों बर्लिन से आते हुए प्लेन क्रैश में मारे गए। चलो अच्छा हुआ, भगवान ने उसको उसके किए की सजा दे दी। लेकिन कपूर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, माफीनामा लिख। जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस को मिलेगा तुम्हारी ही हैंडराइटिंग में, तुम्हारी ही टेबल पर, तुम्हारे ही पैड पर लिखा तुम्हारा माफीनामा, तुम्हारा ही चूल्हा, तुम्हारा ही घर और तुम्हारी लाश के हाथ में दबा रिवॉल्वर। दुनिया समझेगी मिस्टर कपूर कि यह मर्डर नहीं, सुइसाइड है। ठीक उस तरह जैसे जैकपॉट 2 करोड़ किडनैपिंग ना होकर मेज पेंटिंग्स का एक सौदा था। गुड बाय मिस्टर कपूर। और राणा ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। लेकिन अदालत में सोनू, विशाल और पूजा ने उसके खिलाफ कोई गवाही न देते हुए उसे किडनैपर के रूप में पहचानने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा 6 महीना मुकदमा चलने के बाद वो बाइज्जत बरी हो गया। फिर से नेक दिली, ईमानदारी और इंसानियत की राह पर चलने के लिए